तो देख सकते हैं सही जगह पार्किंग नहीं करने का नतीजा, चूहा कहाँ बैठा है ये भागा। तो सही जगह गाड़ी पार्किंग करें, अभी हमें इसमें चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे कट किया वायर। तो दोस्तों ये गाड़ी है इको कार है, नई कार है, देख सकते हैं आप ये गियर बॉक्स के पास समा चुके हैं क्योंकि इसका रिवर्स लाइट नहीं जल रहा है। तो दोस्तों हमने इसका फ्यूज़ वगैरह चेक किया लेकिन कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चूहा घुसा था, हो सकता है कि वायर कट किया हो। तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये वायर बिल्कुल कट चुका है, यहाँ पे एक सॉकेट से ही उड़ा दिया है चूहे ने, कट कर दिया है। तो इसलिए हमारा जो रिवर्स लाइट था वो नहीं जल रहा था क्योंकि रिवर्स स्विच का जो सॉकेट है वो सॉकेट से ही वायर कट कर चुका है चूहा। तो गाड़ी पार्किंग सही जगह नहीं करने का नतीजा है ये, वायरिंग अभी कहाँ कहाँ कट किया हो पता नहीं, लेकिन हमने अभी रिवर्स लाइट नहीं जल रहा है इसलिए हमने गियर बॉक्स के पास आकर के चेक कर रहे हैं। तो ये वायर बिल्कुल कट कर चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं एक वायर तो बिल्कुल अलग हो गया है और दूसरा वायर छिला हुआ है, सॉरी एक वायर नहीं दोनों वायर भी कट कर चुका है यानी। तो दोस्तों ये सॉकेट हम निकालेंगे और निकाल करके इसको रिपेयर करेंगे, एक्स्ट्रा वायर यहाँ पे लगा करके सोल्डरिंग करना पड़ेगा हमको। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं बाहर सॉकेट को। तो दोस्तों दो वायर यहाँ पे लगा करके सोल्डरिंग करना पड़ेगा हमको, बढ़ाना पड़ेगा वायर सॉकेट में क्योंकि सॉकेट नया है नहीं अपने पास अभी। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने सोल्डरिंग करके वायर इसका बनाया है और एक स्ल्यू भी डाल दिया है ताकि वायर हमारा सेपरेट हो गया अच्छे से। तो अभी हम उसी जगह पे सॉकेट को फिट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कम जगह होता है तो आप देख पा रहे होंगे सॉकेट लगाने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है और ऐसे जगह पे चूहा ने काटा है। तो दोस्तों रिवर्स लाइट नहीं चलने का प्रॉब्लम यही था कि चूहे ने वायर कट किया था जिसको हम रिपेयर करके अब लगा रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताओ, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ऑन कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।